हेलो चिल्ड्रन, दिस इज़ अंजुम शेख, टीचर वर्किंग एट गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दुसेरा, ब्लॉक अभनपुर, डिस्ट्रिक्ट रायपुर, छत्तीसगढ़। चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर। हु आर इन द पिक्चर? पिक्चर में देखिए कौन कौन है। देर इज़ अ स्क्विरल एंड अ माउंटेन। तो चिल्ड्रन, आज हम एक पोयम पढ़ने वाले हैं जो स्क्विरल और माउंटेन के बीच में एक कन्वर्सेशन है, बातचीत है। सो लेट्स स्टार्ट द पोयम द माउंटेन एंड द स्क्विरल। द माउंटेन एंड द स्क्विरल हैड अ क्वारल एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग। बन रिप्लाइड, You are doubtless very big, but all sorts of things and weather must be taken in together to make up a ear and a sphere. And I think it no disgrace to occupy my place if I am not so large as you. You are not so small as I, and not half so spry. I will not deny you make a very pretty squirrel track. Talents differ. All is well and wisely put. If I cannot carry forests on my back, neither can you crack a nut. So, bachcho. स्क्विरल मीन्स होता है गिलहरी। लुक एट द पिक्चर। तो आज हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं, द माउंटेन एंड द स्क्विरल, इसमें एक माउंटेन और स्क्विरल के बीच में झगड़ा हो जाता है और ये दोनों अपना अपना आर्ग्यूमेंट, अपना अपना तर्क रखते हैं। तो आइए हम देखते हैं किस बात पर झगड़ा हो रहा है माउंटेन और स्क्विरल के बीच में। द माउंटेन एंड द स्क्विरल हैड अ क्वारल। बच्चों, क्वारल यानी होता है झगड़ा। प्रीग यानी घमंडी। फॉर्मर मीन्स दो लोगों में से पहला व्यक्ति, और लेटर मीन्स जो दो लोगों में से दूसरा। तो माउंटेन और स्क्विरल के बीच में एक झगड़ा हो गया। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रीग, और दो में से पहला कौन था? माउंटेन। माउंटेन ने कहा जो दो में से दूसरा है उसे लिटिल प्रिग। दूसरा कौन है? स्क्विरल, गिलहरी। तो माउंटेन ने गिलहरी को, स्क्विरल को कहा, नन्ही गिलहरी तुम बहुत घमंडी हो। बन रिप्लाइड। बच्चों, बन यानी होता है, ये एक वर्ड है जो गिलहरी के लिए प्रयुक्त किया गया है। चूँकि गिलहरी बहुत छोटी सी होती है और उसकी पूँछ बहुत घनी होती है, तो जो दूर से हमें एक बालों के बन यानी जुड़े के समान दिखाई देती है, इसलिए बन रिप्लाइड यानी गिलहरी ने जवाब दिया। यू आर डाउटलेस वेरी बिग। डाउटलेस मीन्स होता है बेशक, बिना किसी शक के। इस बात पर कोई शक नहीं है, बेशक तुम बहुत विशाल हो, बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, पर सारी वस्तुएं, सारी चीज़ें और मौसम मस्ट बी टेकन टूगेदर, एक साथ मिलकर, टू मेक अप अ ईयर, एक साल बनाती है। बहुत, आप जानते हैं बच्चों, बहुत सारे दिनों को मिलाकर महीना बनता है, महीने से साल बनता है, इसी तरह से उसमें वेदर भी होता है। तो सारी वस्तुएं और मौसम मिलकर आपस में एक साल बनाते हैं, और इसी तरह से इन छोटी छोटी चीज़ों से और वेदर से हमारी स्फीयर यानी हमारी धरती बनती है। ठीक है बच्चों? एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माय प्लेस। बच्चों, डिसग्रेस यानि होता है अपमान, स्प्राई यानि फुर्तीला, और ऑक्यूपाई यानि स्थान प्राप्त करना।
एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस। स्क्विरल अपना तर्क दे रही है, वो कहती है और मैं सोचती हूँ कि इसमें कोई अपमान की बात नहीं है। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, मैंने अपना स्थान प्राप्त किया है, मैंने भी अपना स्थान सुनिश्चित किया है और इसमें मुझे किसी तरह का अपमान दिखाई नहीं देता। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं तुम्हारी तरह बहुत विशाल बहुत बड़ी नहीं हूँ। यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी मेरे जितने छोटे नहीं हो। तुम अपनी जगह सही हो, तुम बड़े हो, मैं अपनी जगह सही हूँ, मैं छोटी हूँ। तुमने अपना स्थान एक विशाल माउंटेन के रूप में बनाया है और मैंने अपना स्थान एक छोटे से जीव के रूप में बनाया है। तो तुम बड़े हो ये तुम्हारी विशेषता है और मैं छोटी हूँ ये मेरी विशेषता है। इस प्रकार छोटी होने के बावजूद भी मैंने इस प्रकृति में अपना एक स्थान बनाया है, एक प्राप्त किया है मैंने अपना स्थान। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, हालांकि आप इतने विशाल हो इतने बड़े हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, इतने बड़े और इतने विशाल होने के बाद भी तुम मेरे से आधे भी फुर्तीले नहीं हो। मैं बहुत फुर्तीली और तेज हूँ। गिलहरी जो होती है ना बच्चों, वो बहुत फुर्तीली होती है, वो पलक झपकते ही पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, नीचे उतर जाती है, जंगल में इधर उधर भाग जाती है। तो उसका यही कहना है कि भले ही मैं छोटी हूँ लेकिन मैं बहुत तेज़ और फुर्तीली हूँ और तुम तो मेरे से आधे भी फुर्तीले नहीं हो। आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्विरल ट्रैक। बच्चों डिनाई यानी होता है इनकार करना या मना करना। टैलेंट मीन्स होता है योग्यता प्रतिभा और वाइजली मीन्स होता है समझदारी से। तो स्क्विरल कहती है आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्विरल ट्रैक। मैं इस बात से इनकार नहीं करती, मैं इस बात से मना नहीं करती कि तुम बहुत प्यारा बहुत सुंदर तुमने स्क्विरल ट्रैक यानी स्क्विरल के चलने के लिए स्थान बनाया है। बच्चों पहाड़ जो होता है उबड़ खाबड़ होता है, ऊपर नीचे होता है, तो उसमें भी गिलहरी आराम से चल लेती है और उसे ही उसने स्क्विरल ट्रैक कहा है। तो गिलहरी कहती है कि मैं इस बात से कभी भी इनकार नहीं करती कि तुमने बहुत सुंदर स्क्विरल ट्रैक का निर्माण किया है। टैलेंट्स डिफर, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट। टैलेंट मीन्स प्रतिभा या योग्यता। तुम्हारी और मेरी प्रतिभाएँ अलग हैं, योग्यताएं अलग हैं। तुम विशाल हो ये तुम्हारी योग्यता है और मैं छोटी हूँ ये मेरी योग्यता है। ऑल इज़ वेल, सब ठीक है। एंड वाइजली पुट, और बहुत समझदारी से बहुत सोच समझकर उस ईश्वर ने इन सब चीज़ों को इन सब बातों को रखा है। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं अपने पीठ पर जंगल को फॉरेस्ट को नहीं उठा सकती। नीदर कैन यू क्रैक अ नट, तो तुम भी मेरी तरह एक नट को क्रैक नहीं कर सकते यानी कि एक नट को तोड़ नहीं सकते। तो तुम विशाल हो तुम बड़े हो, तुम्हारी प्रतिभा अलग है तुम्हारी योग्यता अलग है। ठीक उसी तरह मैं छोटी हूँ मेरी प्रतिभा और योग्यता अलग है। मैं जो कर सकती हूँ वो तुम भी नहीं कर सकते, यदि तुम जो करते हो वो मैं नहीं कर सकती तो मेरा काम तुम भी नहीं कर सकते। तो बच्चों यहाँ पर साइज छोटे और बड़े का झगड़ा हो रहा था माउंटेन और स्क्विरल के बीच में। वास्तव में मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि हर किसी की योग्यता प्रतिभा या टैलेंट अलग अलग प्रकार की होती है। यदि कोई बड़ा है तो वो अच्छा है और कोई छोटा है तो वह कम है या उसे नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि छोटा जो होता है वो जो काम कर सकता है वो कोई विशाल या बड़ा जीव भी नहीं कर सकता है। तो सबकी अपनी अपनी प्रतिभाएं होती है, योग्यताएं होती हैं। तो बच्चों आपको पोयम समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अब हम एक्सरसाइजेस की ओर आते हैं। क्वेश्चन वन है टिक द करेक्ट आंसर, आपको सही उत्तर पर टिक करना है। फर्स्ट वन इज द क्वारल बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्विरल वॉज अबाउट। माउंटेन और स्क्विरल के बीच में किस बात पर झगड़ा हुआ था? आपके पास चार ऑप्शन है।
ए लेंथ, बी साइज, सी एबिलिटी एंड डी स्ट्रेंथ. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, वेरी गुड. द आंसर इज बी साइज, क्योंकि इन दोनों के बीच में साइज, छोटे और बड़े को लेकर झगड़ा हुआ था. नेक्स्ट, द माउंटेन इज एबल टू. माउंटेन किस बात के लिए योग्य है? द ऑप्शन इज ए कैरी अ फॉरेस्ट, बी क्रैक अ नट, सी मेक अ स्प्राई मोमेंट एंड डी मेक अप अ ईयर. तो बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? यस, द आंसर इज ए कैरी अ फॉरेस्ट. यू हैव रेड इन द पोएम. क्वेश्चन थ्री इज द स्क्विरल इज एबल टू. स्क्विरल क्या करने में सक्षम है? द ऑप्शंस आर ए मेक अ स्फीयर, बी क्रैक अ नट, सी मेक अप अ ईयर एंड डी कैरी फॉरेस्ट. तो बताइए बच्चों. यस, द आंसर इज बी क्रैक अ नट. वेरी गुड. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब इन प्रश्नों के आपको उत्तर देना है. क्वेश्चन वन इज व्हाई डज द माउंटेन कॉल द स्क्विरल लिटिल प्रिग. माउंटेन ने स्क्विरल को लिटिल प्रिग क्यों कहा? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? हमने अभी पोयम में पढ़ा है, द माउंटेन कॉल्स द स्क्विरल लिटिल प्रिग बिकॉज दे हैड अ क्वारल. माउंटेन ने स्क्विरल को लिटिल प्रिग इसलिए कहा क्योंकि उनके बीच में झगड़ा हो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट क्वालिटीज ऑफ द माउंटेन डज द स्क्विरल एप्रिशिएट. माउंटेन की किन किन क्वालिटीज को स्क्विरल एप्रिशिएट करती है? तो बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? यस, द स्क्विरल एप्रिशिएट्स द क्वालिटीज ऑफ माउंटेन. स्क्विरल माउंटेन की कौन कौन सी क्वालिटीज को एप्रिशिएट करती है? पहला, मेकिंग अ प्रिटी स्क्विरल ट्रैक. माउंटेन जो स्क्विरल ट्रैक बनाता है उसे, एंड कैरिंग अ फॉरेस्ट ऑन इट्स बैक. और माउंटेन अपनी पीठ पर पहाड़ रख सकता है. इन दोनों क्वालिटीज को स्क्विरल एप्रिशिएट करती है. व्हाट टास्क इज द माउंटेन अनेबल टू परफॉर्म. कौन सा कार्य करने में माउंटेन अक्षम है, मतलब कौन सा कार्य नहीं कर सकता माउंटेन? तो बताइए बच्चों. आंसर इज द माउंटेन इज अनेबल टू क्रैक अ नट. हमने पोयम में पढ़ा है ना, जब स्क्विरल माउंटेन को बताती है कि हालांकि आप बड़े हो और मैं छोटी हूँ, लेकिन मैं जो काम कर सकती हूँ वो आप नहीं कर सकते. और वो काम कौन सा है? क्रैक अ नट. माउंटेन एक नट को क्रैक नहीं कर सकता. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डू यू लाइक द स्क्विरल्स रीजनिंग व्हाई. आप बताइए, क्या आपको स्क्विरल के तर्क पसंद आए? और आए तो क्यों? तो बेटा, हमने पोयम में इस चीज को समझा है. तो इसका आंसर क्या होगा? यस, बिकॉज टैलेंट इज ग्रेटर देन साइज. हाँ, हम स्क्विरल के तर्क को पसंद करते हैं. क्यों? क्योंकि योग्यताएं, प्रतिभाएं जो हैं वो आकार से, साइज से बड़ी होती हैं. साइज उतना वैल्यू नहीं करता है जितना कि टैलेंट या योग्यता वैल्यू करती है. इसीलिए बच्चों, हमें दूसरे की प्रतिभा का आदर करना चाहिए. ओके चिल्ड्रन, नाउ आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है. ड्रॉ द पिक्चर ऑफ माउंटेन एंड स्क्विरल एंड कंपेयर ऑन दीज पॉइंट्स. आपको माउंटेन और स्क्विरल के
पिक्चर ड्रॉ करने हैं और उनके बीच में कंपैरिजन करना है। किन पॉइंट्स पर? वो नीचे दिए गए हैं, साइज, लाइफ, यूज, मूवमेंट, क्वालिटी एट्सेट्रा। क्योंकि पोयम में हमने इन सब पॉइंट्स के आधार पर ही उनके तर्क पढ़े, तो बच्चों ये क्वेश्चन आप बनाएंगे और घर में बड़ों को दिखाएंगे। होप आपको पोयम बहुत अच्छी लगी होगी। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय चिल्ड्रन।